मुंगेर में स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर शिक्षकों द्वारा एल्बेंडाजोल की दवा खिलाए जाने के बाद लगभग 50 बच्चे बेहोश हो गए। आनंद फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए बरियारपुर PHC भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मुंगेर में आज कृमि दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जा रही है, जिसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुंगेर जिले को 7,46,015 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा था। इसी क्रम में शाह जुबैर स्कूल घोरगट में बच्चों को दवा खिलाई गई, जिसके बाद बच्चे बेहोश होने लगे। क्या कुछ कह रही हैं इन्हें नीलम कुमारी, सुनते हैं। बीमार पड़े तो प्रभारी सर हमको भेजे थे इसका इलाज करने के लिए, और एम्बुलेंस से मुझे बरियारपुर भेजने के लिए, एम्बुलेंस से जो भी यहाँ पेशेंट है उसका देखने के लिए। बच्चे यहाँ देखे कि बच्चा बीमार है, यहाँ नहीं बाबू नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ पहले से थे, उनको आने से पहले थे। हम आए जो सर बोले जो इंजेक्शन लगाने के लिए, बच्चे को इंजेक्शन लगाएं, समझाएं, हवा में बैठाएं, इस जगह उसको रखें इस तरह, फिर जो ज़्यादा सीरियस है बच्चा था उसको हम एम्बुलेंस से भेजे बरियारपुर। 30-40 बच्चे थे। बहुत बच्चा जल की गोली, एल्बेंडा जल की गोली, 12 साल से ऊपर वाले को एक गोली देना है। यहाँ तो सब बड़े ही बच्चे थे, एक गोली खिलाया गया था टोटल बच्चे को। हाँ, दबोच के खिलाया गया था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे पहले से बीमार तो नहीं है, किसी चीज का एलर्जी तो नहीं है। टीचर ने सारा दवाई कुछ खिलाया था, लेकिन हम उस समय नहीं थे, हमको बाद में बुलाया, फोन करके भेजा है यहाँ पढ़ाड़ी सर, हम यहाँ आए। क्या नाम हुआ आपका? निगम कुमार। क्या है आप? निगम कुमारी, ANM। अचानक से बच्चों के बेहोश होने से विद्यालय में कोहराम मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए बरियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद सिविल सर्जन ने बताया कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिक्षकों को हिदायत दी गई थी कि दवा खिलाने के पूर्व बच्चों को भोजन करवा दिया जाए, इसके बाद ही दवा खिलाई जाए, जिससे बच्चे का पेट ना खराब हो या उसे बुखार ना लगे। पर शिक्षकों द्वारा इस बात की अनदेखी की गई, जिसके बाद ये घटना घटी। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बच्चों के इस तरह से बीमार होने से सभी बच्चे दहशत में हैं। एहतियात के तौर पर अभी 3-4 दिनों के लिए इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोक दिया गया है। उन लोग को कीड़े की दवा दी गई, तो कल हम लोग स्कूल में शिक्षकों को बोले थे कि मिड डे मील के बाद दीजिएगा, क्योंकि जब कीड़ा की दवा दी जाती है, कीड़ा मरने लगता है, तो उस समय पेट में उत्पात मचाता है। बड़ा आदमी तो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग भूखे पेट में न बोल के उसको मिड डे मील और उल्टी की दवा के, लेकिन जल्दी में भूखे लगता है बच्चा लोग को दे दिया गया, लेकिन सारे बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, सबका इलाज चल रहा है, आधा से ज़्यादा तो खौफ में है, उनको कोई रोग नहीं है ना कोई दिक्कत, लेकिन खौफ के चलते आधा बच्चा यहाँ आया हुआ है, लेकिन आधा बाकी लोग का इलाज हो रहा है, पानी दवा सब दी जा रही है। ठीक, करीब करीब 47-50 के आसपास। अच्छा, ये तो हम लोग नहीं, BSM ICL के स्टेट हेडक्वार्टर से ही भेजती है दवा, हम लोग दवा नहीं खरीदते हैं। सर, उसका डोज क्या है? एक गोली, बच्चे 4 साल से कम है तो उसको आधा गोली, लेकिन यहाँ तो बड़े बच्चे ही हैं, एक गोली। सर, क्या बाकी स्कूलों में जो बच्चों को दवा दी जानी है उस पे तत्काल रोक लगा दिया गया है? हम बोले हैं कि जो बच्चा बीमार हो या जिसका पेट खराब हो या जिसको बुखार हो, वैसे बच्चों को दवा ना दी जाए, और जो भूखे है उसको भी ना दी जाए, और ज़्यादा है तो अभी कुछ 2-4 दिनों के लिए उसको हम लोग मुलतवी कर दे रहे हैं, बाद में फिर दिया जाएगा। इसकी